हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के नंबर वन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक मैथमेटिक्स की, जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार हम लोग वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों चैप्टर्स के थ्योरी और उसके क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारा मिक्स एक जगह एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है और जितना जल्दी आपको सारी चैप्टर्स को कंप्लीट करनी होगी। तो आज हम लोग इसी तरीके से दोस्तों चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने किस किस चीज़ की वीडियो दे रखी है, जरा मैं उसको आपको बता दूँ। प्रतिशत का आपको दे दिया गया है, समय एवं कार्य का दे दिया गया है, आयु संबंधी प्रश्न दे दिया गया है, CI और SI दे दिया गया है ना, और आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। और भी कुछ वीडियोस बची हुई हैं जिसको आपको करा देते हैं, अगर आप इन सभी वीडियोस को देख लेते हैं तो। दोस्तों मैं जहाँ तक कहूँ, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आता है, मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन आता है, तो 12 क्वेश्चन आप लोग आसान तरीके से करके आओगे। इसकी मैं जहाँ तक, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तब गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप ख़राब तरीके से पढ़ रहे हो तो मैं इसकी गारंटी नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, फुल मोटिवेशन इस बार सरकारी कॉलेज ले लेना, तो 12 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएगा। यानी 12, 25, 60 नंबर दोस्तों आपको केवल और केवल मैथ दे रहा है, समझ रहे हैं, 60 नंबर मैथ दे रहा है। लाना कितना है सर आपको? 300 से 350 के नंबर के बीच में लाना है, 300 से 350 नंबर के बीच में लाना है, तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैथ कहीं ना कहीं आपको रिकॉर्ड बनाएगा सर मार्क्स लाने में। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर सिंप्लीफिकेशन आप लोग पढ़ रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन का बात आता है दोस्तों बोर्ड मास रूल, सबसे पहला आता है ये रूल नंबर पहला, कहिए बोर्ड मास रूल, है ना, बोर्ड मास रूल, यही ना होता है बोर्ड मास रूल, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बोर्ड मास रूल। तो बी से क्या होगा दोस्तों? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट सबसे पहले किसका काम होगा? इसका काम होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद इसको मंझली ब्रैकेट कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट, फिर इसके बाद बड़ी ब्रैकेट, ये इस तरीके से। तो सबसे पहले इसका काम होगा, फिर उसके बाद इसका काम होगा, फिर उसके बाद इसका काम, क्वेश्चन के आधार पर समझा देंगे। ऑफ का, इसका ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, और का को एक एक लहजे में हम लोग गुना भी कहते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद आता है दोस्तों भाग, डिवाइड, फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, है ना, फिर उसके बाद आता है ऐड, और फिर उसके बाद आता है घटाव यानी कि सब। तो ये कुछ इस तरीके से सीक्वेंस है। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद ऐड, और ऐड के बाद सब, सबस्टेंट, है ना। तो ब्रैकेट में भी तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, तीनों में से सबसे पहले किसका काम किया जाए? तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए दोस्तों दूसरा रूल सीखिए, दूसरा रूल यहाँ पे है, अगर किसी को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, किसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग समझिएगा, इसका मतलब आप लोग समझिएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक ना। यहाँ से आप जितना करिएगा उतना ही मान इतना आएगा। देखिए 12 × 24 = 25 आ जाएगा, ठीक है, 25/2 आएगा, इतना ही आएगा। आप इसको भी सॉल्व करिए, 25/2 ही आएगा, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह के पूर्णांक में अगर रहे तो हम इसको प्लस में भी तोड़ सकते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का दूसरा रूल है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाते हैं आपको। ये और भी कुछ रूल है जिसको मैं बताना चाहूँगा आपको, ठीक ना, ये रूल नंबर 3। इसी में दोस्तों हम लोग घातांक एवं करणी, घातांक एवं करणी पढ़े ना, तो सबसे पहले घातांक का रूल दिखाते हैं, है ना। घातांक का रूल क्या कहता है दोस्तों? इसी में आ जाता है ज़्यादातर लोग इसी में मिला करके पढ़ाते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बेस सेम है, गुणा में है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, सबसे पहली बात, ठीक ना। बेस सेम है, गुणा में है, पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। बेस सेम है और भागा में है, इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तब ये क्या होता है दोस्तों? बेस सेम कहने का मतलब ये जो नीचे वाला ए दोनों जगह ए है, तो ये क्या हो जाएगा? m-n हो जाएगा, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे। अब आगे देखिए, अगर ए के पावर m रहे और उसके पावर में n रहे, ए के पावर m है और उस पूरा के पावर n है, तब रूल कहता है कि इस दोनों का गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रूल कहता है, ठीक है। और देखिए, अगर ए के पावर -m रहेगा,
ए के पावर माइनस एम रहेगा तो इसको हम प्लस में भी कर सकते हैं। कैसे? जब इसको प्लस में करना रहे तो 1/a^2 यानी होल पावर एम हो जाएगा, है ना, एम हो जाएगा। ये होता है सर, माइनस दिख गया यानी अंदर वाला को उल्टा कर दो, वो आपको पावर वही रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा पावर। जैसे मान लिया जाए 2^-3 है, तो इसको क्या करेंगे आप लोग, 1/2 कर दीजिए, है ना। अगर 4/5 है यानी दोस्तों 5/4 और 1 का पावर तो कुछ भी नहीं होगा, वो वही का वही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो बोलिए। अगर समझ में आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोक देंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी रूल हैं, अभी रुकना नहीं है, ठीक ना। और देखिए, अगर बेस सेम होता है दोस्तों तो पावर को भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर को हम लोग बराबर कर सकते हैं, ठीक ना। ये ध्यान रखना, ये चीज़ इतना जनरली इतना याद होना ही चाहिए, 9th class में पढ़ाया गया था। आ जाइए अब इधर करनी का सवाल देखते हैं, कुछ करनी के रूल हैं जो आपको जानने जरूरी है। जैसे सबको पता होता है ए है पावर एन है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, 1/n। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ, आप लोगों को कहा जाता होगा √2, तो इसका मतलब क्या होता है, 2^1/2। √4 यानी इसका मतलब क्या होता है, 4^1/3, है ना। तो आज n है तो n का पावर 1/n, ठीक है, सॉरी a^1/n, ठीक है। इतना दूर तक क्लियर है। अगर दोस्तों कुछ ऐसा आ जाए, n ये रहेगा इसी के अंदर y ए रहेगा, तब आप लोग इसको क्या करिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले इसको करिए, ये रूट अंडर रहने दीजिए। देखिए सब लोग समझेगा, एन हो गया, इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, ए है, ए के पावर कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके पावर हम लोग 1/y लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। देख लीजिए, √n था तो 1/n, आज वाई है तो वाई लिख। अभी ये क्या है, किस चीज़ का रिलेशन है, रिलेशन यहाँ पर गुणा का है, तो कुछ रूल यहाँ का लगेगा। गुणा का रिलेशन है, बेस सेम है, यहाँ पे देखिए गुणा का रिलेशन है, बेस सेम है, तो ये रूट रहने दीजिए अभी, ठीक ना, और बेस सेम है तो जोड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब, ये कहने का मतलब कह रहा है, अब कहता है इसका मतलब कि ये पावर में है ना, ये पावर में है ना, तो 1+1/y इसका पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट हटाएंगे तो 1/n, अब पावर का पावर है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, दोनों पावर, ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप लोग करिए सकते हैं, तो इधर देख ही लो, लगले करिए देते हैं, देख लीजिए। तो फाइनल जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा हमारे पास 1/n (1+1/y), ये इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर होगा, किसका, इसका, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आंसर होगा, ठीक है। ये करनी का रूल कहता है, करनी का भी रूल्स हैं, ये जनरली आप लोग याद रखिए, आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे। और इस वीडियो से आपको ये भी कवर होगा कि आपके एग्ज़ाम में किस लेवल तक के प्रश्न पूछे हैं, और ये जो चैप्टर आप लोग देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, आपसे इस चैप्टर से सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, हम क्लियर करेंगे आज। बस बशर्ते आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और समझिए सर, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और ज़्यादा VVI TY के फिर में मत रहिए कि वो एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा सर। ऐसा कोई भी विद्यार्थी या ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो आपको हूबहू क्वेश्चन लड़ा दे, ऐसा नहीं होता है। आप उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए, आप उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ये सब सिलसिला ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हूबहू क्वेश्चन लड़ेगा तो ऐसा गारंटेड नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन उसी चैप्टर से आते हैं, तो भाई जब आपने चैप्टर पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, तब क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो वही बातें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, थ्योरी भी पढ़िए, उससे क्या होगा, थ्योरी पढ़ने से क्या होगा, आपका क्वेश्चन लेवल बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करिएगा, टेस्ट दीजिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, वो चीज़ें आपको वहाँ पे आपको असर पता लगेगा कि आप लोगों ने कितना थ्योरी पढ़ रखा है। चलिए तो अब हम अपना सवाल देते हैं दोस्तों। पहला सवाल है हमारा आज का, आज का ही पहला सवाल है, देखिएगा आप लोग। कहता है 16-x/x = दोस्तों
20 बटा में 10 देन x का मान है। ऑप्शन भी लिख देते हैं जरा, आप लोग ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 10। ये सवाल है, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग? आप लोग ट्राई करिए तो एक बार सर, एक बार आप लोग ट्राई करिए मुझे, ठीक ना। चलिए तब तक हम दूसरा सवाल भी टाइप कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए दूसरा सवाल है दोस्तों, 10^24 × 10^-21 का 21 का मान क्या है, यही सवाल है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 100, सी है 10 और डी है 1000। ये आपके सामने ऑप्शन है। चलिए हम ट्राई करते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन देखिएगा। हमको x का वैल्यू चाहिए ना, तो चलिए जो लिखा हुआ है एज इट इज़ पहले लिख देते हैं आप लोगों के लिए। हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ से आपके एक दिमाग में चल रहा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए हम लोग को। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आगे बढ़िए, ठीक ना। तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। अब बराबर रहेगा इसके साथ करेंगे 160 माइनस कितना 10x, इसको ही पट्टी लाइए, इसको ही पट्टी लाइए तो कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा, बराबर 160 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाएगा, सही है ना, बोलिए। यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन में गड़बड़ी है दोस्तों, क्वेश्चन में 12 है। ऑप्शन अगर हम चेंज करना चाहेंगे 12 है क्वेश्चन में, ठीक ना। क्वेश्चन में 12 है तो यहाँ पे भी आप चेंज कर लीजिए, 12 कर लीजिए, नहीं तो ऑप्शन नहीं आएगा। सवाल बन जाएगा लेकिन ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम भी 12 कर ही देते हैं, ठीक है। लीजिए हो गया। अब फाइनली हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 10 इधर आएगा तो फाइनली 32 हो जाएगा, ठीक है। तो अब की कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे, सो इसीलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 160 बटा में 32, 32 बचे 160। तो ये हमारा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी अब आ गया, ठीक है। अब फाइनल आ गया आंसर। अगर हम लोग 20 लेके चलते तो ऑप्शन अलग आता, तो फिर कहते सर ऑप्शन गलत है, तो इससे बढ़िया क्वेश्चन को चेंज कर दिया। चलिए दोस्तों, ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है 2021 के एग्ज़ाम में, ठीक ना। सारे क्वेश्चंस कराएंगे, बस आप लोग अंत तक बने रहिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों कौन सा घातांक एवं करनी वाला सवाल आ गया, क्या था दोस्तों, a^m × a^n, है ना a^n का बेस सेम होता है तो पावर हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते थे। तो आज भी क्या दोस्तों, क्या था, 10^24 है गुना है 10^-21 है, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पावर को जोड़ देंगे, यानी 24+-21 करेंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 10^3 आ जाएगा, यानी कि फाइनली हमारा 1000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं जो स्टूडेंट डी बता रहे थे आंसर है। देखिए इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है अगर 10^24 है, ठीक है। अब 10^-21 को हम लोग 1/10^21 लिख सकते हैं ना, 1 का कितनों पावर कर दो, यानी देखो यहाँ पे इस तरीके से 1/10^21, 1 का पावर और 10^21, तो 1 का पावर कुछ भी रख दिया जाए 1 ही होता है, तो इसीलिए 1^21 1 हो गया, 10^21 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से एक रूल आ गया, 1^24 / 1^21, यानी सर बेस सेम है और भागा में है तो क्या करते थे, माइनस करते थे। तो आज हमारे पास बेस सेम है, यानी 10 है बेस के जब 1 है लिखा गया भाई, तो 10 हो गया। तो 10 में से क्या करेंगे दोस्तों, 24 - 21, फाइनल हमारे पास उतना ही आंसर आ गया, आ गया ना। तो किसी भी तरीके से आपको बना सकते हैं फाइनल, तो आंसर हमको डी ही लाना था, तो डी आ गया। चलिए इतना दूर तक सबको क्लियर है। अब अगला सवाल देखिए, अब आगे वाले सवाल को देखते हैं। ये है बीजगणित का सवाल, लेकिन इसको हम सिंप्लीफिकेशन में रख दिए हैं क्योंकि बहुत आसान वाला सवाल है। ऐसे मैं बीजगणित का भी वीडियो वन शॉट बना दूंगा जिसमें तरह तरह के सवाल करा दूंगा, ठीक है। 2020 में भी बीजगणित से सवाल पूछा है, 2021 में भी पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है x बराबर दिए हुए दोस्तों 7 - 4√3, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो x + 1/x का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा।
ऑप्शन भी लिखिए देते हैं, देख लीजिए। 3√3 बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन कहता है 14+8√3, सी ऑप्शन कहता है 8√3 और डी ऑप्शन कहता है 14। तो सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको क्या चाहिए, एक्स चाहिए और 1/x चाहिए, इन दोनों को जोड़ना है। तो एक्स सबसे पहले आप लोग बताएंगे कितना है सर, तो आप लोग बताइएगा सर 1 इतना एक्स है। अब हमको क्या चाहिए, 1/x चाहिए। तो 1/x मतलब 1/x का वैल्यू 7-4√3। और आपको बचपन में या मैंने भी पढ़ाया होगा कि नीचे में रूट नहीं रखा जाता है सर, ये लड़की या लड़की को अच्छे से संभाल के रखना चाहिए, है ना, है ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो चलिए इसको नीचे काहे रखेंगे सर, इसको बढ़ावा दीजिए आप भी। तो इसको बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे, हर परिमेय करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस ले करके करेंगे, ठीक है। देखिए ऊपर में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो एगो फार्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी गुने ए माइनस बी रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आप 4√3 का स्क्वायर करिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 गुने √3 का 3, 16 3 48 हो जाएगा, होगा ना, होगा ना, बोलिए इतना दूर तक। तो बताइए 1/x का वैल्यू कितना आ गया, आप ही लोग बताइएगा। 1/x का वैल्यू आपके सामने आ चुका है, कितना आया हुआ है इससे। अगर दोस्तों हम बताएं आपको 1/x का वैल्यू डायरेक्ट निकालना है तो इतना नहीं कर सकते आप। यहाँ पे देखिए, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, और दोनों को घटेला के बाद इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, और अगर माइनस रहे तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक ना। तो घटेला के बाद अगर एक आ गया तो डायरेक्ट साइन चेंज करो, लिख दो। जैसे देखिए 7 का स्क्वायर करिए 49, और इधर स्क्वायर करिएगा 48, यानी एक आ गया। यानी दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे और 1/x का वैल्यू रख देंगे। देख लीजिए साइन चेंज करके आ गया है, ठीक ना। अब हमारे को चाहिए जो जो क्वेश्चन कहा है उसको निकालिए, है ना। तो एक्स प्लस 1/x, एक्स का वैल्यू है 4√3 और प्लस कितना 1/x है, 1/x का वैल्यू कितना है, चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों ये माइनस में है और ये प्लस में, कैंसिल आउट, ये प्लस, यानी दोस्तों 14 आंसर होगा। यानी दोस्तों हम लोग का एक्स प्लस 1/x का वैल्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा, 14 वाले स्टूडेंट्स का आंसर सही है, ठीक है। चलिए तब समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, दबा के लाइक और शेयर करते रहेंगे। जो जो स्टूडेंट नए होंगे चैनल को सर फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरा मतलब कहने का, ठीक ना। चलिए अब आगे वाले सवाल को करते हैं, नोट करते चलिए, कॉपी कलम ले करके बैठिए हमारे साथ है। देखिए ये भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है, कहता है 71-56 माइनस 63-11-04 माइनस 98-74 माइनस 999 को सरल करें, सवाल है, ठीक ना। सवाल सही है ना, हाँ सब चीज़ सही है। ऑप्शन नंबर ए है 73-4-5, ऑप्शन नंबर बी है 73-6-5-5, ऑप्शन नंबर सी है 65-45-5, 65-45-5, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 75-45-5। लीजिए ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ, ट्राई करिए। तो आप लोगों से ट्राई होगा, कोशिश करिए। देखिए सवाल पूछा हुआ है, उम्मीद है बन जाना चाहिए। देखिए कैसा लेवल है, लेवल देख रहे हैं ना एग्ज़ाम में, आप लोगों से छूटने लायक लेवल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी गणित में मेहनत कर दिए ना सर, तो समझिए कि 75 नहीं 70 तो आसानी से ला सकते हैं, 70 केवल गणित से, सोचिए। और इसी तरीके से हम अभी ज़िंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं, हर एक स्टूडेंट को नंबर दिलवाएंगे, इसका ठीका लिए हैं सर। हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट वीडियो की कोशिश है, है ना, हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट वीडियो की कोशिश है, एकदम बेहतरीन वन शॉट वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लेना है। बायोलॉजी के क्लास आएगा सर हमारे चैनल पे, बायोलॉजी का जानदार क्लास आएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख दीजिए 71-56-32
माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेते तो याद है ना, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है। जब भी माइनस हम कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये क्या है, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या हो गया दोस्तों, माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई आगे में माइनस का साइन नहीं है, ये माइनस है यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस है यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी दोस्तों इस सारे को जोड़ना पड़ेगा, इन सारों को जोड़ो, तो इन सारों को हम लोग जोड़ेंगे तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, जोड़ के देखिए तो 64, 19, 77 है ना, 64, 19, 77 इतना आएगा। और घटाइला के बाद दोस्तों आप लोग करिए, घटाइए तो ऑप्शन नंबर बी 73, 65, 5 आ जाएगा। ठीक है, हाँ आ जाएगा। सात तीन दस, दोबारा के 2 हासिल एक, 7 × 3 = 13 हासिल एक, 9 × 6 = 15 116 × 6 हासिल एक, 3 × 4 = 5 और 7 × 3 = 10 = 11 = 1 हासिल एक, आ गया ना, इतना ही मतलब कि हमारा आंसर सही है ना। हमारा कौन सा आंसर है दोस्तों, हमारा आंसर यहाँ पे देखेंगे ये है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल प्रैक्टिस किया जाए, और भी सवाल है, अभी रुकना नहीं है। ठीक ना, देखिए ये भी सवाल है, सिंप्लीफिकेशन में जो टाइप है ना, हर एक टाइप को हम कवर करेंगे, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। और सवाल तो सर आएगा तो हमारी वीडियोस से ज़रूर आएगा है ना, कोशिश है हमारी वीडियोस के सवाल आएंगे, मतलब टाइप आएंगे, ये नहीं कि मतलब ये सवाल लिख दे तो यही सवाल नहीं, इससे रिलेटेड सवाल, जैसे मान लिया जाए इस कैटेगरी का सवाल है तो इस कैटेगरी का सवाल आपके एग्जाम में दिख सकता है, ये अगला कैटेगरी जो लिख रहे हैं उस कैटेगरी का रहेगा। अगला कैटेगरी देखिए आप लोग, ये देखिए 4 - 5 बटे में 1 + 1/3 + 1/2 + 1/4 देख सकते हैं दोस्तों, ये आपस में सब बटा में जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है का मान है, इसको फ्रैक्शन वाला गणित कहते हैं, इसको कौन सा कहते हैं, फ्रैक्शन वाला गणित है। ऑप्शन देखिए, बहुत आसान है लेकिन आप लोग इसको एक बार समझ जाएंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, बस खाली समझना है आप लोगों को, फिर किसी भी तरह का रिलेटेड सवाल आए आप लोग से बन जाएगा। ये 2020 का सवाल है, ये 2020 में ऐसा सवाल पूछा गया है, डी है 3/8। देखिए दोस्तों अब सवाल कैसे बनाया जाए इस पे हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, इस पे अब हम लोग विचार करते हैं, क्या हो रहा है भाई आज। चलिए देखिए, देखिए दोस्तों अगर इस तरीके का लंबा वाला चल जाए है ना, इस तरीके का सवाल रहे, अभी तो सर ये पूरा को कैलकुलेट करना है, और भी कुछ सवाल मैं दिखाऊंगा जिसमें आपको कभी बीच में एक्स दे देगा, उसका एक्स का वैल्यू निकालना रहेगा उस तरीके का, लेकिन समय मतलब कहने का मतलब बनाने का विधि एक है, नीचे से ऊपर की ओर आप जाइए, इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, फिर फाइनली इसको सॉल्व करिए। तो देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, नीचे से जाते हैं, देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इसका वैल्यू आप निकाल दीजिए, 2 + 1/4 का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आएगा, तो आप एलसीएम लीजिएगा सबसे पहले, 4 × 4 = 8 + 1 यानी कि 9/4, ऐसे ही ना आएगा, 9/4 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे कॉमा दे दीजिए, अब ये इसका वैल्यू कितना आ गया, 9/4 यानी 3 + 1/2, इसका वैल्यू आपने कितना लाया, 9/4 लाया, तो ये कन्वर्ट होगा ना, आगे बढ़ेगा ना, तो 3 + क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर यानी कि 4/9, इसको करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 9 × 27 + 4/9 है ना, तो कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 10 = 11 यानी 31/9 आ गया। यानी दोस्तों इतना का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 31/9। तो अब आगे बढ़ेंगे, क्या है दोस्तों, 1+ करना है, 1 + 1/2 कितना हमने लाया, इतना का वैल्यू आपके सामने कितना, देखिए इतना का वैल्यू हमारे सामने कितना है, 31/9 है ना, 31/9, तो नीचे लिखिए ना 31/9, फिर इसको ऊपर करेंगे तो क्या जाएगा, 1 + 9/31 हो जाएगा। देखिए ये ऊपर जाके गुना हो रहा है ना, क्योंकि वो एक है, तो एक में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही का वही रहता है। ठीक ना, देखिए आगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको करिएगा तो 31 × 9 कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम लीजिएगा, देखिए फिर से करके दिखा दे रहे, 31 एलसीएम, 31 + 9
यानी 40 बटा में 31 हो गया, इतना दूर का हमारा मान निकल गया है। और अब की कॉमा देंगे, इतना दूर का। अब चार वाला से आते हैं, बात करते हैं, चार माइनस पाँच बटे कितना है सर, इतना दूर का वैल्यू कितना है, तो देखिए ये इतना दूर का वैल्यू कितना है, 40 बटा में 31 इतना है ना। अब इसको उल्टा कर दीजिए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे चार माइनस 31 में पाँच करिए, कितना हो जाएगा, 31 में पाँच से मल्टीप्लाई करिए, 31 ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा, तो 5 पंक्ति 15 यानी मेरे ख्याल से 155 आएगा और नीचे में 40 रहेगा। इसको अभी सॉल्व करना है, अभी इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ जाइए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 एलसीएम लेंगे तो 4 × 16 यानी कि 160 माइनस 155 यानी 5 बटा में 40 यानी 1 बटा में 8 आंसर है ना। तो यानी कि देखिए इतना दूर तक आ गए, देखिए माइनस 4 तक आ चुके हैं, देखिएगा माइनस 4 तक आ चुके हैं, तो अब तो आगे कुछ करना ही नहीं है, इसी का मान चाहिए था है ना, बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो गया। देख सकते कितना अच्छे तरीके से सीक्वेंस तरीका से एकदम बना है, ताकि कहीं पे गलत होने के चांसेस, अगर मान लिया जाए गलत भी हो जाता है, आंसर नहीं आ पा रहा, तो आप चेक भी कर सकते हो कहीं पे, जो देखिए आप इस तरीके से करें, ये इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका, तब आसानी से आ जाएगा। अभी और भी सवाल करवाएंगे इसी से रिगार्डिंग, इसी भिन्न वाला क्वेश्चन से और भी सवाल करवाएंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल, सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मिटाएंगे नहीं अभी, ठीक ना। हाँ तो सवाल अगला है दोस्तों, ये कुछ पूछा हुआ सवाल सारा है, जितना है ना सारा सवाल पूछा हुआ है आपका, किसी भिन्न का मान सर्वाधिक है, किसी भिन्न का मान सर्वाधिक है, यानी कौन सा ऐसा भिन्न है दोस्तों ऑप्शन में जिसका मान सबसे अधिक है, 13 बटा में 16, देखिए बी का वैल्यू है 7 बटा में 12, सी का वैल्यू है 5 बटा में 8 और डी का वैल्यू है 16 बटा में 29, ठीक है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आपके दिमाग में क्या होगा सर, पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा, भिन्न से तो पता नहीं लग रहा है कि कौन बड़ा है, तो सबको पॉइंट में कन्वर्ट करो। तो अगर आप इसको ऐसे पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 13 में भाग दोगे, पॉइंट बैठेगा यहाँ, 0 दोगे है ना, तो कितना बार लगाओगे, 16 × 5 = 80, 16 × 8 = 28 से 8 बार में लगाओ, x है ना, 2 0 2 गिरेगा 0 हो जाएगा, फिर 16 × 2 = 32, 1 × 16 लमसम इतना दूर तक रहने दो, इतना दूर तक रहने दो, 4 हासिल, यानी हमारा वैल्यू इतना है, 2 डिजिट तक ले लिए, 12 से 7 में यानी 70 लगा दो, ठीक है, 6 5 है ना। अब कितना बार में लगाएं दोस्तों, 8 अब आगे और भी लगा दीजिए, 8 × 50 कर दीजिए, वाइंड तो रहेगा रहेगा, 8 × 5 = 40, 10 नहीं नहीं और महंगा होगा, 8 × 6 = 48 लगेगा, 2 बस इतना ही रह दीजिए, अभी तक से तो सबसे ज़्यादा महंगा तो यही दिख रहा है, अभी सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही दिख रहा है, एगो लास्ट है, इसको 29 में अगर 160 में करिएगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 551 के आसपास आ जाएगा है ना, देख लीजिए आप लोग, 9 × 5 = 45 ठीक ना, 9 × 5 = 45 इतना ही रखेंगे, देखो ना इतना ही कर लेते हैं, 9 × 5 = 45 हासिल 4, 5 × 2 = 10 = 14 है ना, अगर 6 बार में गुना करके दो 9 × 6 174 आ जा रहा है, नहीं तो 5 ही बार में लगेगा है ना, 5 1 है ना, तो फाइनली दोस्तों हमारे सामने तो अभी 8 ज़्यादा है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो सबसे ज़्यादा ना पूछ रहा है, सर्वाधिक मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है,
देख सकते हैं चारों आपके सामने, कितना समय लगेगा इसको करने में। अगर समय भी ले रहा है दोस्तों तो पाँच नंबर भी तो दे रहा है, ये भी तो आप लोग देख रहे हैं, पाँच नंबर के बात है। पाँच नंबर आपको अगर सही करते हैं ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि फुल में फुल मिलेगा, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में तो फुल में फूल मिलता है ना। डाउट रहेगा, अगर आप साइंस में भी मार के आते हैं ना तो डाउटे में घूमते रहे यार इसको ये है ये है, लेकिन मैथ आप करेक्ट बनाइएगा ना तो आपको संतुष्टि मिलता है। मैथ में क्या ना संतुष्टि मिलता है अंदर से कि नहीं यार एकदम करेक्टली सही है, एकदम कुछ हो जाए पहाड़ टूट जाए कॉपी फट जाए लेकिन हमारा आंसर तो सही रहेगा, है ना। चलिए तब अगला सवाल देखा जाए, चलिए अगला सवाल देखा जाए तब अगला सवाल है दोस्तों, देखिए यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। कहता है यदि रूट पंद्रह का वैल्यू 3.88 है तो रूट अंडर 5/3 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है 1.399 है ना, 1.33 है, 1.3329 है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है, देखिए आपको लगेगा एकदम, जब तक कम्प्लीटली नहीं बनाइएगा ना तब तक नहीं पता लगेगा कि आंसर कौन सा है। डी नंबर है 2.9। देखिए आंसर आप सभी के बीच में निकालना है जल्दी से, देखिए हम निकालना स्टार्ट कर दें। देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान है दोस्तों, रूट पंद्रह का वैल्यू दिया हुआ है ना तो इसको हम 15 बना सकते हैं। एक चीज़ तो है सर, 15 दिया हुआ है तो इसको 15 बनाइए। तो देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए इसको अलग अलग बांट दें रूट को, तो रूट 5 बटा में रूट 3, तो ऊपर में दोस्तों 15 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे तो रूट 3 से गुना करके, रूट 3 से गुना करिए तो रूट 3 गुने रूट 5 तो कितना जाएगा रूट 15 बटा में वो 3 कितना जाएगा रूट 3 गुने रूट 3 पूरा 3 हो जाएगा, ठीक है। और रूट 15 का वैल्यू आपके एग्जाम ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.88/3, ठीक है 3.883। तो देखिए दोस्तों पहला तो एक बार में कटेगा 3, 8 गिरेगा, 8 गिरेगा तो कितना बार में 3 × 6 = 9 यानी कि 2 टाइम में। पॉइंट है जो पॉइंट में रहने दो, पॉइंट से कोई दिलचस्पी नहीं, कोई छेड़खानी नहीं सर, जैसे लड़की से कोई छेड़खानी नहीं करता उसी क्वेश्चन से भी छेड़खानी नहीं करना, केवल भाग देना है 3 × 3 और एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। 8 गिरेगा तो कितना बार लगाइएगा 3 × 6 दो बार में, फिर सर कितना गिरेगा 8 × 6 = 2 गिरेगा यानी आई वो 8 गिरेगा। देखिए भाग दे के दिखाइए देते हैं आप लोगों को, नहीं तो कहिएगा सर कैसे कैसे बोल रहे हैं। देखो 3 में 3.88 से भाग देते हैं, एक बार में लगाइएगा 3 कैंसिल पॉइंट तो लगा दीजिए 8 उतरेगा। अब 3 × 6 यानी यहाँ से 2 आई भी 8 गिरेगा तो 9 × 3 = 27 करिएगा ना, फिर कितना गिरेगा 1 गिरेगा और लमसम इसी तरीके से 3 × 3 = 9 फिर 1 गिरेगा चलते रहेगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, आप लोग को ऑप्शन दिख गया होगा, अब दिख गया होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग के सामने साफ साफ दिख रहा है करेक्ट आंसर है। और यही सवाल आपके एग्जाम में 2 copy 2020 वाले एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, और भी इम्पोर्टेंट है, सरलीकरण का है ना, देख सकते हैं सरलीकरण में किस लेवल का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेवल देखिए सर, आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों बनवाया जाता है, क्योंकि आपके अंदर विश्वास हो, आत्मविश्वास जगे कि आप लोगों के लिए भी सवाल कोई टफ नहीं है, एग्जाम कोई टफ नहीं है, ठीक ना, बस वही आत्मविश्वास आपको जगा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देख रहे हैं दोस्तों 0.064 × 0.4 × 7 = 0.4 × x 0.0256 × 2 है में x का क्या है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है 3, बी है 4, सी है
दो, डी है एक। लाजवाब सवाल है एकदम, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अब इस सवाल को देखें दोस्तों, कहता है 0.64 इंटू 0.4 का पावर 7 इक्वल्स टू 0.4 का पावर x इंटू 0.0256 का पावर 2 में x का मान क्या होगा, ये सवाल है। तो आप लोग कोशिश करिए दोस्तों, ऐसा सवाल आए तो x का पावर जिस स्थान पे है, सारे आसपास के डिजिट है ना, उसी में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी 0.4 है ना, x का पावर किस पे है, 0.4 पे है, तो उसी के आसपास कितना 0.056 है, इसको भी 0.4 में कन्वर्ट करो, इसको भी 0.4 में, ऑलरेडी ये तो 0.4 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप ऐसा करिए, इसको एक ऐसा डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, ऐसा डिजिट में कन्वर्ट करिए कि जो इसके आसपास भी उसी डिजिट में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए आज तो मेरे ख्याल से दिख रहा है कि हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए इसको हम कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं, 0.046 को हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं 0.4 में। पॉइंट हटाएंगे 100 गिरेगा, गिरेगा ना, गिरेगा ना, तो आप बताइए। देखिए 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, बोलिए 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, यहाँ 1000 है तो 10 10 10 लिख सकते हैं ना, बोलिए अगर दिक्कत है कहीं पे। तो देखिए 0 के वो डिजिट था 1 2 3, तो 1 पर 3 को 0 लिख दिया, आप लोग को इतना कॉमन बात होगा। तो बताइए इसको हम लोग 0.4 × 0.4 × 0.4 यानी सर 0.4 का होल क्यूब, यानी सर इसको हम कितना बराबर लिख सकते हैं, इसी को लिख दीजिए 0.046 बराबर कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों ये भी है ना, इसको भी छांटना पड़ेगा ना। चलो ये तो पता हो गया, आप लोगों को निकालने के लिए सीख गए, अब इसको भी लाइन में लाइए 0.0256 स्क्वायर है, स्क्वायर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पॉइंट हटाइए, 1 1 2 3 4 गो है, 4 गो 0। अब 256 को हमारे ख्याल से आ रहा है दोस्तों 16, यानी कि 4 × 4 × 4 × 4 यानी 4 × 16 16 × 64 64 × 256 है ना। अब बटा में, बटा में नहीं, सबके अलग अलग दीजिए, 4 गो है ना, हो जाएगा बंटवारा, हो जाएगा पूरा पूरा। इसी को हम लोग 0.4 × 0.4 × 0.4 × 0.4 यानी कि 0.4 का पावर 4 आ गया ना। यानी सर ये किसके बराबर है, 0.0256 के, इसके बराबर है केवल कितना, इतना, लेकिन पावर में स्क्वायर भी है तो वो क्वेश्चन में डालते समय करेंगे, ठीक है। इतना तो हो गया, अब देखिए सवाल, अब यहाँ पे हम आपको केवल बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इतना लंबा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम में। तो इसके जगह पे कितना लिखेगा, 0.4 का पावर होल क्यूब गुने 0.4 का पावर 7 है ना, इंटू 0.4 का पावर एक्स इंटू 0.4 का पावर कितना था, 4 था ना, और इसका होल पावर 2 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, इसको क्या करेंगे, 0.4 पावर बेस सेम है, पावर जो जाएगा 7 × 3 = 10 हो जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 8 हो जाएगा ना, तो पावर बेस सेम यानी कि एक्स प्लस 8 हो जाएगा, 8 होगा ना, कैलकुलेट कर लीजिएगा। सर बेस सेम है और उसी समय हम बताते हैं पावर भी सेम कर सकते हैं है ना, ऐसा सिचुएशन में जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम कर सकते हैं। 10 हो गया, यानी सर अगर x की बात की जाए तो 2 हो जाएगा। तो जो जो स्टूडेंट्स 2 का आंसर लगा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का सही है, ठीक ठाक, इतना दूर तक तो ठीक ठाक है सारे स्टूडेंट का। अगला सवाल पे आइए, अब आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल भी करवाते हैं, अभी तक से हमने 10 सवाल कर लिए हैं, ठीक ना, 10 सवाल तक किए हैं। देखिए कुछ नॉर्मली भी सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में, लेवल हमेशा टफ नहीं रहता एग्ज़ाम का, हर साल एग्ज़ाम अलग अलग तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। देखिए जैसा कि अगला सवाल है, 2 × 5 × 3 × 5 × 2 क्यूब है का मान बराबर है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 21,600, ऑप्शन नंबर बी है 12,600, ऑप्शन नंबर सी है 62,100,
और ऑप्शन नंबर डी है 20,600। बहुत आसान है ना, इन सबको मल्टीप्लाई करना है ना। 2 के पावर 5 32 होता है, 3 के पावर 3 27 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। फाइनली आंसर आएगा 25 × 32 × 27। आंसर आ जाएगा दोस्तों, आप लोग गुना करके देखिएगा, 21,600 आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, गुना करके देखिएगा, 32 में 25 से गुना करिएगा तो 25 × 50 हासिल, 5 25 25 75 76 77 78 79 80। 25 में अगर 32 से गुना करते हैं तो 800 आता है। ठीक है, अब 800 में आपको 27 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी सर 27 में 8 से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 56 = 6 हासिल, 5 × 8 = 16 17 18 19 20 21। यानी और ये 2 गो 0 हुआ, कहाँ गया, लगा दो, आ गया ना आंसर 21,600 आंसर। देख लीजिए आपके सामने मैंने गुना किया, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने ही की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे वाले कुछ सवाल और भी हैं, है ना, बहुत सारे सवाल आपको करने हैं अभी। ठीक है, घबराइएगा नहीं खाली, बस बहुत जल्दी आप लोग घबरा जाते हैं, इसीलिए मेरे को बार बार बोलना पड़ता है, डीमोटिवेट रहते हैं कि सर सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई मेहनत कर रहे हो, काहे नहीं मिलेगा बताओ, आप ही लोग अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हो ना, अब अपने हक़ की लड़ाई में भी डाउटे है कि सर हमको खाए ला मिलेगा कि नहीं मिलेगा आज, तो भाई तो पक्का है कि नहीं है मिलेगा, मन में नेगेटिव रहोगे तो नहीं है मिलेगा। देखिए अगला सवाल है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का केवल सवाल है एकदम, 1 भागा 1 + 1 भागा मंझली ब्रैकेट इसको या करली ब्रैकेट कहते हैं, +1 1 × 1 (2) फिर मंझली ब्रैकेट बंद, फिर बड़की ब्रैकेट बंद, अब +1 का सरलीकरण कर इसका मान ज्ञात करें। ऑप्शन भी लिखिए देते हैं आपके सामने, ऑप्शन है 13/8, ऑप्शन बी है 8/13, ऑप्शन सी है 9/5, ऑप्शन डी है 5/9। देखिए ये सवाल है, है ना, तो देखिए दोस्तों फिर उसी तरीके से आराम से लंबा लंबा लेके जाइए, आसानी से जाएगा। तो सबसे पहले हमने बताया था बोर्ड मास रूल में क्या, कि छोटी ब्रैकेट का काम करना है, तो आप लोग छोटी ब्रैकेट का काम करिए, 1 + 1/2, इसी का ना काम करना है, तो इसी को पहले काम कर लेते हैं। तो कितना जाएगा, 1 + ये भागा में गुना कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, होगा ना, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और कॉमा दे दीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब इस कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर जो जो मटेरियल है उसको आप लिख दीजिए, इसके जगह पे इतना जगह पे कितना आएगा दोस्तों, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट भी अपना बंद कर दिया जाए, कर्ली ब्रैकेट भी बंद कर दिया जाए। अब यहाँ से यहाँ तक के मान हमको फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 1 + 2/3 होगा ना, ये करेंगे, ये इसके साथ हटेगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 भागा है सर, और 1 गुना करेंगे भागा को तो 2/3, और 1 के साथ क्या होगा तो कुछ नहीं होगा, तो फाइनली हमारे पास इतना आएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 करेंगे तो 3 × 5/3 आएगा। यानी सर कर्ली ब्रैकेट का मान कितना आ गया, 5/3 आ गया। अब बड़की ब्रैकेट के पास चलते हैं, बड़की ब्रैकेट आ जाओ, अब बड़की की बारी है, कितना है, 1 + 1 भागा इतना का मान हमने कितना निकाला है, 5/3। चलिए इसको गुना में कन्वर्ट करिएगा तो 1 + इसको गुना में करिएगा तो 3/5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, इसको कितना जाएगा, 8/5 आएगा ना सर, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया।
हो गया ना। अब ये और ये भी बचा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए ये कॉमा दे दें, चलिए वन डिवाइड, इतना दूर का वैल्यू कितना, इतना दूर का वैल्यू ही 8/5, आई प्लस है भाई, तो प्लस कर दो और वन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा इतना दूर तक। ये भी हमारा वन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, तो एक है, सबसे पहले भागा का काम करेंगे ना, तो इसको गुना में कन्वर्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, होगा ना, 5/8 भागा से गुना में, और प्लस वन कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए आप लोग। अब आगे बढ़िए, तो इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5/8 प्लस वन, 8/5 13/8 आंसर आ गया ना। आंसर फाइनली हमारे पास कितना, ऑप्शन नंबर ये देखिए 13/8 आंसर फाइनली हमारा आ चुका है, आप लोगों के बीच में रखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। सारे स्टूडेंट को समझ में आया है ना, क्योंकि हम आपको पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर सर बड़ी ब्रैकेट के बाहर भी कुछ कुछ एलिमेंट थे जिसका यूज करना था, है ना। बीच में हमारा ब्रैकेट पूरा था, तो ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू आपके सामने है, ये बड़ी ब्रैकेट तक का ये मान है 8/5, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान कितना 8/5, तो इतना जगह पे हम लोग केवल इतना वैल्यू रख दिए, एक भागा इतना की जगह पे 8/5 और प्लस वन था तो प्लस वन कर दिए। भागा को सबसे पहले भागा का काम होता है, भागा को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो उलट जाता है, तो 8/5 था तो आज 5/8 हो गया, और गुना में तो इसके साथ एक के साथ कोई भी अंग गुना करो वही का वही रहता है प्लस वन, तो 8/5 + 1 यानी कि 13/8 आंसर आ गया। चलिए ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं, देखिए बहुत आसान आसान सवाल है, आप लोग भी का याद करिएगा, आप लोग कहिएगा कि सर पैरामेडिकल का लेवल कैसा है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का, टाइम एंड वर्क का भी मैंने करवा दिया, आप लोग देखिएगा, कुछ कुछ प्रीवियस ईयर का सवाल छूट गया मेरे से, उस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, तो कोशिश करिए आप लोग खुद घर पे भी कर लीजिए वो चीज़ें, ठीक ना, कवर नहीं हो पाया उसमें, मैंने बाद में देखा। चलिए देखिए यहाँ पे सवाल है दोस्तों, सबसे पहले बड़ा ये है, कितना है क्यूब यानी कि 3 है, फिर इसके अंदर भी है दोस्तों कितना है 6 है, फिर इसके अंदर 2^9 है, और ये इसका पावर पूरा कितना है 4 है, इसी तरीके से एक और है दोस्तों, है ना, ये पूरा पावर कितना है 4 है, और ये रूट अंडर कितना 3, इसके अंदर रूट अंडर 6 और 2^9 पूछ रहा है का मान है, ऑप्शन भी लिख दें, ऑप्शन नंबर ए देखिए कहता है 2^16, बी कहता है 2^12, सी कहता है 2^8 और डी कहता है 2^4। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लगातार मैं करवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम अपना क्वेश्चन भी करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। कोशिश करते हैं ज़्यादा लंबा ना हो, पहले प्रीवियस ईयर करना ज़रूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों दोनों सेम सेम है, गुना में है, नहीं सेम सेम नहीं है सर, सेम सेम नहीं है, ये सेम सेम नहीं है, सवाल अब है, नहीं तो सेम सेम रहता तो स्क्वायर नहीं हो जाता दोनों का, ठीक है। तो अब हम इसको रफ कर रहे हैं, देखिए सर सवाल का आंसर देखिएगा आप लोग, सवाल का आंसर देखिएगा, सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए सबसे पहले इसका इतना वैल्यू निकालते हैं फिर दोनों को गुना कर देंगे, इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले लिखिए √3, है ना, √6 मतलब क्यूब रूट, और 2^9 है, इसका पावर कितना है 4 है, तो क्या करेंगे इसको दोस्तों, आपको पता है ना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबका पावर है, तो देखिए ये किसी भी संख्या का पावर ऐसे होता है तो क्या करते हैं 1/3 करते हैं, अगर इसी के पावर अगर 6 आ जाएगा तो पावर का पावर यानी कि ऐसे कर सकते हैं दोस्तों 1/6, क्योंकि ये रूट वाला है तो 1/6, आज अब इसको ऐसे करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं 1/3 × 1/6 लिखते हैं ना, इस तरीके से कर देते तो हम डायरेक्टली करना चाह रहे थे, ठीक ना, अगर आप लोग कहिएगा तो डायरेक्टली कर देते हैं, नहीं तो फिर वही काम करेंगे 3 है फिर लिखेंगे क्या 2^9 का पावर, है ना, 2^9 का पावर कितना लिखेंगे 1/6 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर एक बार और आगे बढ़ेंगे तो 2^2 कितना होगा 9 का पावर 1/6 का पावर कितना हो जाएगा 1/3,
का पावर 4। अगर किसी भी संख्या के पावर रहे तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले के रूल सिखाए थे ना, 2k पावर 9 गुने 1/6 गुने 1/4 1/3 गुने 4 है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम यहाँ से 2 है ना, 3 और यहाँ से 2, यानी फाइनल दोस्तों 2k पावर 2 आ गया। एओ का वैल्यू 2k पावर 2 आ गया है। दूसर का भी सेम वही मान आएगा, केवल आगे पीछे क्या है दोस्तों, तो रूट अंडर यहाँ पे क्या 6 है, रूट अंडर 3 है और 2k पावर 9 है, इसका होल पावर कितना है 4 है। तो प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, रूट सिक्स अंडर 2k पावर 9 का पावर 1/3 ठीक है, पावर 4 ही रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसी तरीके से रूट इसको कितना, रूट छः है ना, रूट किसको क्या कहेंगे, होल रूट 6 रूट, क्यूब रूट, 6 रूट, स्क्वायर रूट कहा जाता है ना। तो यहाँ पर इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर 2k पावर 9 का पावर 1/3 और करली मारेंगे का पावर 1/6 का पावर 4, यानी सर 2k पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4 बतवा तो बराबर पर है ना। तो फाइनली दोस्तों इतना आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2k पावर 2 इंटू 2k पावर 2 कितना आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो सर बेस सेम है, यानी पावर जुड़ जाएगा, यानी 2k पावर 4। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 × 2 = 4 ऐसे तो आंसर आ जाएगा, वही आएगा फाइनली ऑप्शन नंबर डी, 2k पावर 4। थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा आपको ऑप्शन और उसको आप टिक कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिए जब भी बनाइए और बनाने के बाद रंगने से पहले एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए कि आपका वो सवाल सही ढंग से बना है या नहीं बना है, ठीक ना। आसान होते हुए भी कभी कभी क्या होता है ना, सवाल आसान लगता है, बना लेते हैं और बाद में पता लगता है यार इतना बड़ा मिस्टेक कर दिए, ठीक ना। तो इसीलिए मैं कहूँगा मिला लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल हैं, अभी बहुत सारे सवाल हैं। देखिए एक और सवाल है, क्वेश्चन हम इधर लिखते हैं। देखिए दोस्तों जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो सवाल देखिए, 2 बराबर एक्स प्लस 1/3 + 1/4 है तो x का मान क्या होगा, यही सवाल है आपके सामने। ऑप्शन भी हम लिख देंगे, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों x का वैल्यू 18/17, ऑप्शन नंबर बी है 21/17, ऑप्शन नंबर सी है 13/17 और ऑप्शन नंबर डी है 12/17। ये है देख लीजिए है ना। देखिए इस तरह का सवाल है, हमने बताया जब भी ऐसा टेढ़ा जाए लंगड़ा बने तो इसको सीधा किया जाता है सर, टेढ़ा करते हुए भी हम लोग सीधा करेंगे, तो उसी तरीके से हम बनाएंगे जो हमारा पुराना मेथड, जो देखिए जो ज़्यादा लंबा होना तो लंबा में गैदरिंग हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा उसको सीधा करके बनाते हैं। देखिए जैसे कि इतना का वैल्यू निकालिए पहले, 3 + 1/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, 13/4 आ जाएगा। अब इतना आ गया है तो 1 + 1/13/4 कर दिए, ठीक। अभी इतना का वैल्यू निकालो ना, बाद में =2 है ये, कोई दिक्कत नहीं है, =2 है ये है, ठीक ना। उतना नहीं सोचना, पहले मान निकाला जाए, ठीक है। तो 1 + 4/13 है ना, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 13 × 13 = 17/13 आ गया, 17/13 आ गया, कितना इसका वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, फाइनल एक्स के साथ भी जोड़ना है। अब इतना का वैल्यू 1/ कितना है सर, 17/13 है ना, 17/13 अब बराबर में 2 है, अब लेके चलेंगे क्योंकि x आ गया है तो x का वैल्यू चाहिए, तो अब बराबर में 2 लेकर के चलेंगे। देखिए बराबर में 2 भी दिया हुआ, अब बढ़िए आगे। अब क्या करिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x प्लस ये 13 ऊपर 17 नीचे बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे आइए,
यहीं पे देखिए आगे बढ़िए, इसको आगे बढ़ाते हैं। एलसीएम कितना लीजिएगा इस साइड एलसीएम आप 17 लीजिए, 17 एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा 17x प्लस कितना हो जाएगा 13 बराबर 2 है ना। तो यहाँ पे अब आएंगे तो कितना हो जाएगा 17x प्लस 13, ये भागा में उपटी जाएगा गुना में 17 दुना का 34 है ना, तो कितना हो जाएगा 17 दुना का 34 है ना। तो 17x बराबर कितना हो जाएगा 34 माइनस 13, यानी सर 17x बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 और फिर 3 में से 1 गया 2 21, यानी x बराबर 21 बटे में 17 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी देखिए मैच कर रहा है हमारा, आ रहा है ना, देख रहे हैं ना कैसे किस तरीके से लेकर के चलना है, मैं किस ढंग से बना रहा हूँ वो आप लोग कॉमन देखो है ना, कैसे बन रहा है, किस सीक्वेंस तरीका से बन रहा है कि सटीक आंसर आ रहा है, एक बार बन रहा है लेकिन सटीक आंसर आ रहा है, सही आ रहा है, वो चीज़ देखो आप लोग, ठीक है। चलिए तब अगला सवाल देखिए दोस्तों है ना, और भी सवाल है उसको ट्राई करते हैं अभी। इसका PDF दोस्तों मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक ना, इसका PDF, ये जो क्लास होगा उसका PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें और भी क्वेश्चंस है। इस वीडियो में तो लगता है कि मेरे को पूरा नहीं होगा है ना, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, चलिए कोशिश करते हैं पूरा करने का, लेकिन इसमें एक ही दो सवाल छूटेगा, ज़्यादा नहीं छूटेगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला सवाल है वो मैं करवा दे रहा हूँ। देखिए सवाल है दोस्तों, कर्ली ब्रैकेट है, 1/3 का पावर -2 माइनस 1/2 का पावर -3 का कर्ली ब्रैकेट बंद, ठीक ना, फिर उसके बाद है डिवाइड है ना 1/4 का पावर -2 बराबर है, किसके बराबर है, ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है 1/16 के, बी है 64/25 के, सी है 3/5 के, और डी है दोस्तों 3/16 के, ये आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग ट्राई करिए, बनाइए, कोशिश करिए, ठीक ना, बाकी मैं तो आंसर तुरंत बताइए देता हूँ। चलिए देखा जाए इसका आंसर, आंसर देखा जाए तो कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए आ गया ना a^-m, तो क्या लिखते थे 1/a^m लिखते थे ना इस तरीके से, तो आज भी हम वही काम करेंगे, ठीक ना, अगर 1/a^-m है तो इसको a^m लिख सकते हैं, गारंटेड है ना, यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो उसको उल्टा करिए और उल्टा होगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मारिए, बताइए माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए, पावर माइनस में तो प्लस करने के लिए उलट दो अंदर वाला मटेरियल को, 1/3 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस है सर, पावर को प्लस करिए, अंदर के मटेरियल को उल्टा करिए, उल्टा कर दे, 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट बंद, डिवाइड है डिवाइड रहने दो, ये भी फिर से माइनस है सर, अंदर वाले को उल्टा करो 2 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर निकालना है ना तो निकालिए ना सर, आ तो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्यूब 8 है ना, भागे कितना है 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, तो 1/16 इसका आंसर क्या होगा, भागा को गुना में बदलिएगा, 1/16 आंसर होगा, कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट का आंसर आया है 1/16, 1/16, ठीक है। चलिए तब अगला सवाल देखते हैं, हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, चलिए देखिए तो सवाल लिख रहे हैं आपके सामने, सवाल है दोस्तों, हाँ ठीक ठाक है ना, चलिए क्या 2/5 गुने -3/7 -1/14 -3/7 गुने 3/5 बराबर x है, तो x का मान ज्ञात करें, सवाल यही है दोस्तों,
ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है -1/2, ऑप्शन नंबर बी है +1/2, ऑप्शन नंबर सी है -1/14 और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों +1/14। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, उम्मीद है इसका आंसर आप सभी लोग बता पाएंगे, है ना। देखने में लगता है आसान सर, लेकिन ट्राई ज़रूर करिए। अगर लग रहा है आसान कि हो जाएगा तो वो मूर्ख वाला काम नहीं करिए, बना दीजिए ना सर, हो ही जाएगा तो बनाने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा इंक जाएगा है ना, तो बना दीजिए, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई का काम करते पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लिया जाए, ठीक है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करिए। देखिए दोस्तों ये माइनस नहीं है, यहाँ पे गुणा का साइन है, तो कितना हो जाएगा -21/35 -1/14 -3×9 हो जाएगा 7×5 35। अब एलसीएम लीजिए कितना होगा, तो मेरे ख्याल से इसका एलसीएम लिया जाए तो 14×5 = 70, 35×70 कॉमन आ रहा है, 70 कॉमन आ रहा है, एलसीएम का मतलब ही होता है कॉमन, तो 35×70 21×42 -42 सही है, सही कर रहे हैं ना। ई का कर दिया सर, -6 ना होगा, 3×6 -6 हो गया, ठीक है, 6×12 35×70 -12 ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 14×75 -5 35×70 9×18 ठीक ना, 18 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 8 2 10 10 20 10 30 35 -35/70 35×70 यानी -1/2 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए 3×6 ना होगा, 21 होगा, ठीक है 21 नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर -1/2 ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी +1/2 है, ऑप्शन नंबर ए होगा -1/2 है ना, देख सकते हैं आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए एक और सवाल है, और भी सवाल है, बहुत सारे सवाल है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। टेलीग्राम क्या है सर, तो टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करिए टोटल लर्निंग, टोटल लर्निंग का स्पेलिंग पता है ना, कैपिटल टी स्मॉल ओ स्मॉल टी स्मॉल ए स्मॉल एल, टोटल हो गया, और लर्निंग सर्च करिए कैपिटल एल ई ए आर एन आई एन जी, टोटल लर्निंग, ठीक ना, जैसा कि मैंने लिख दिया है, इसको सर्च करिएगा टेलीग्राम पे आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो इसका आंसर हो गया दोस्तों। अगला सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इम्पोर्टेंट भी, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। कहता है दोस्तों सवाल कि रूट अंडर है ना, कौन सा है, रूट अंडर केवल है क्यू वाई क्यू है ना, रूट अंडर वाई क्यू, रूट अंडर वाई क्यू का मान क्या है, ऑप्शन भी लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा y-21/3, ऑप्शन नंबर बी भी देखिए y^8 है, ऑप्शन नंबर सी देखिए y^21/8, ऑप्शन नंबर डी है y^1/21/8, ये आपके सामने ऑप्शन है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। है ना, ठीक ठाक, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला काम 1/yq लिख लिया जाए, पहले एक बार लिखा जाए, तीन गो है ना, तीन गो है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट के अंदर लिखिए yq, फिर से एक रूट के अंदर yq। अब इसको हम लोग क्या करें, ये गुना के साथ में, कैसा रिलेशन है, गुना है, तो यहाँ भी गुना होगा, और ये 3 है, पावर में क्या हो जाएगा 3/2, ठीक ना। रूट अंडर अगर y रहता है तो हम इसको क्या करते हैं 1/2, और क्यूब है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का पावर। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, y^3 का पावर 1/2, और पावर के पावर रहता है 1/, फाइनली y^3/2 आएगा ना, तो
तो वही चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अवसर गुना में है, बेस सेम है, पावर जुट जाएगा। अवसर गुना में है, बेस सेम है, तो पावर जुट जाएगा। यानी फाइनली दोस्तों अगर मैं जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, तीन दुना का छ, छ आ तीन नौ, नौ बटा में दो, वाई का पावर नौ बटा में दो हो जाए। और बढ़िया, आगे इसको बढ़ाया जाए, अभी अभी नहीं रुकिएगा। ये देखिए, इसको जब करेंगे दोस्तों तो वाई के पावर ये वन बाई टू और एक जुट जाएगा, यानी नौ बाई फोर हो जाएगा, हो जाएगा ना नौ बाई फोर। अब देखिए, अब क्या करेंगे दोस्तों, रूट अंडर वाई के पावर थ्री प्लस नाइन बाई फोर हो जाएगा। यानी कहा जाए तो वाई के पावर कितना हो गया, बारह नौ इक्कीस बट्टा में चार, फिर कितना हो जाएगा, इक्कीस बट्टा में आठ आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं रूट आएगा ना, तो फिर से वन बाई टू इसके साथ हो जाएगा, पावर में वन बाई टू हो जाएगा, और पावर में पावर जब रहता है तो आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो इक्कीस बटे चार है, इक्कीस बटे चार है, तो इक्कीस बटे आठ भी आंसर आएगा। ठीक ठाक, चलिए ठीक है ना, और भी सवाल करवा दें। अब कुछ बहुत आसान आसान वाले सवाल हैं, अब कुछ बहुत आसान आसान वाले सवाल हैं। जैसे सवाल है सात बटे इकतीस भागे, सॉरी सात बटे तेरह भागे अट्ठाईस बटे बावन बराबर एक्स, देन एक्स का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन, और ऑप्शन डी है चार। कौन सा सही होगा, तो इसको तो हम यहीं पे कैलकुलेट कर देंगे। भागा है गुना में बावन ऊपरे अट्ठाईस नीचे, चको बावन सच चको अट्ठाईस, चार एकम चार, फाइनल आंसर वन। तो डायरेक्टली आंसर वन हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों आपके एग्ज़ाम में किस लेवल का सवाल था। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई किए होंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में भी कुछ सवाल होंगे जो आपको ट्राई करने चाहिए, जो कि टेलीग्राम पे मिलेगा। और अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।